नमस्ते किसान, मैं जयंती किसान आज आपको दिखा रहा हूँ बिके प्लस का प्लांटेशन जो अपने यहाँ हो रहा है और किसान से भी मिलवाता हूँ। पहले देखते हैं फार्मर ने क्या क्या प्रक्रिया की है। आप देख सकते हो उसमें गोल बनाया है, उसमें कार्बन एंजिम मैंकोजेब डाला है जो बाविस्टिन हम बोलते हैं, और डेंटाशू डाला है, और उसमें डाला है सुक्रोज यानी कि वाइसोनेमेटा, और बॉर्डर पर आप देख सकते हो गन्ना घास पहले से लगा हुआ, अभी काट दिया है, अभी ज़रूरत नहीं उसको बढ़ाने की, अभी बड़ा होंगे तो वो ठंडी के लिए है, यहाँ से पवन जो आएगा उसको रुकेगा ठंडा पवन। ये फील्ड लगी है 5x8, अभी लगाना भी शुरू ही है। बीके प्लस का प्लांटेशन है, आप पौधा भी देख सकते हो कितना स्वस्थ पौधा है, एकदम बढ़िया पौधा। यहाँ नाली की है, ये लेवल है, ये बीच में हल्की सी नाली है लेकिन लेवल हो जाएगा, निशाने के लिए रखी थी, कीचड़ करके लगा रहे पूछ के। को दिखा रहा हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते, अपना थोड़ा परिचय आपको, कयु गाम छे तमारू नाम? परमार अचित कुमार, गांव वासना, तालुको संगेरा, जिलो छोटा उदयपुर में से बात कर, गुजरात जी। ओके, आप लगाओ, मैं थोड़ा किसानों को भी दिखते। एक कीचड़ पानी डाला, फिर उसमें पौधा रखा, दबाने की जरूरत नहीं, बस मिट्टी दबा दो उसमें, और ऊपर में थोड़ा गड्ढा रहता है तो हल्की सी मिट्टी लगा दो, बस एकदम लेवल सरफेस होनी चाहिए मिट्टी वाली, बस। ओके, एकदम सही प्रक्रिया है पौधा लगाने की। यहाँ ज़्यादातर किसान तो 5x5 ही लगाते ना, हर किसान 5x5। किसान ने बहुत मतलब किसान पाठशाला की बात सुन के, बलराम भैया की बात सुन के 5x8 का ग्राफ नक्की किया है। गांव में तो उस किसान को सब पागल ही समझते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 5x8 बेस्ट ग्राफ है। 5x9 अगर किया हो तो उससे भी बेहतर, हम ज़्यादातर उसमें से लाम ले सकते हैं, मतलब उसका रटून लंबे तक सब हम ले सकते हैं, चाहे हमें जितना बर चाहे। पास में उसकी वाड़ी भी लगी हुई है, ये रटून है बाजू वाला, नहीं, फर्स्ट है, फर्स्ट में भी आप देख सकते हो कितना टूट फूट है, आंधी तूफान ने सब तोड़ दिया था बहुत ही। हाँ, मतलब ये गन्ना घास होता ना बॉर्डर पे तो बहुत सारा हमारा नुकसान बच जाता, आप देख सकते हो उसमें कितना गिर गया है, कितनी गिर पटे, खाली जगह पड़ी है पूरी। मिट्टी भी एकदम सुंदर है, लाल मिट्टी है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट देगी, पानी का रिसाव बहुत ही अच्छा होता है, उसमें वापसा कंडीशन जल्दी बन जाती है, बहुत अच्छी मिट्टी है, सपोर्ट भी करेगा, और किसान की मेहनत ही आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छी मेहनत है, जो किसान पाठशाला जो भी बताता है उस प्रक्रिया से ही पौधा लगाता है, एकदम परफेक्टली काम किया है। अभी उसमें ड्रिप आ जाएगी, बाद में उसमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे पानी देते रहेंगे। नमस्ते, हम मतलब हमें बॉर्डर पर गन्ना घास लगाना फर्जियात जैसा ही है, हमें चाहिए तो चाहिए ही, गर्म हवा और ठंडी हवा को रोकेगा तो जो लास्ट लाइनें रहती है उसमें भी बहुत ही अच्छा हम उत्पादन ले सकते हैं, उसमें से बहुत ही अच्छा।